अच्छा तो यार ये सीन ये है कि सबसे पहले हमारे पास बॉयलर का ये आ जाता है शेल, बाहर वाली जो साइड है सारी की सारी ये शेल है, ये लाइनिंग जो है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये नीचे से आ जाती है फर्नेस, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर सेफ शॉर्टनर है जिसमें हमने मतलब कि वाटर के टीडीएस लेवल को नीचे करना है। की लेवल टीडीएस लेवल, वाटर का टीडीएस लेवल हाई होता है ना, तो अगर हम वो डायरेक्ट बॉयलर में एंटर करेंगे ना वो वाटर, तो हमारी एक तो एफिशिएंसी खराब होगी बॉयलर की, और उसके अलावा हमारा जो ईंधन है वो भी ज्यादा लगेगा। इसलिए हमने सॉफ्ट करना होता है वाटर को सबसे पहले। अच्छा, वाटर को सॉफ्ट करना होता है, सो टीडीएस लेवल नीचे लाना होता है, ठीक है, 50 तक। और ये ऑलमोस्ट बॉयलर में 1000 से नीचे चलता है, 1000 से नीचे सही सुनते ही अजी समझ आ फिरा बेखड़ गया, लेकिन वो लेक्चर सुन दिया एकदम ही। उसके बाद हमारे पास पंप आ जाता है, पंप ने पंप का काम ये है कि उसने वाटर को पंप करना होता है बॉयलर के अंदर, और इसके अलावा यही पंप जो है ये कंट्रोल भी कर रहा होता है वाटर लेवल को। ये हमारे पास वाटर इंडिकेटर होता है, वाटर मुटाशरी इंडिकेटर है भाई, ये है वाटर इंडिकेटर ना। अच्छा तो आप ये बॉयलर में मुटाशरी है, ये वाटर इंडिकेटर है, और वाटर इंडिकेटर में जब भी वाटर लो होगा ना तो वाटर इंडिकेटर हमें बता देगा कि वाटर लो हो चुका है, अब तो ये पार्ट और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पंप ऑन हो जाएगा। हाँ। और पंप मजीद पानी एंटर कर देगा, अगर ऑटोमेटिक होगा तो ऑटोमेटिक ही होते हैं भाई। और उसके बाद और ये हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो है ना ये गैसेस रन कर रही होती है, लिक्विड फ्यूल है, ये लिक्विड फ्यूल ही है, सॉलिड फ्यूल नहीं था, नहीं नहीं कंस्ट्रक्शन ही बिल्कुल नहीं, फर्नेस कंस्ट्रक्शन होते हैं जो ट्यूब्स यार। फर्नेस का ये काम होता है कि यहाँ पे हमारे साथ सबसे पहले ब्लोअर लगा होता है, और ये हमारे पास ब्लोअर है वाटर बाहर से एयर जो है ना वो इंटेक कर रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग जलने के लिए, और यहाँ से ये पंप हमारे पास फ्यूल सप्लाई कर रहा होता है, वो कोई भी फ्यूल हो सकता है, लिक्विड या एलपीजी हो सकती है। और उसके बाद ये जब आग लगेगी तो ये सारी गैसेस होंगी, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वो गैसेस जाएंगी इस ट्यूब में रन करके, और उसके बाद ये मूव करते करते हम जितनी ज्यादा वो स्पार्क, इसके बाद यहाँ पे जब हॉट गैसेस आ जाएंगी ना तो ये ट्यूब में ये जो फेज होते हैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करती करती यहाँ से बाहर होंगे, बाहर निकलेंगे। क्यों ले जब अंदर ले आता फायदा क्या, उनकी एक मिनट बात सुनो, एनर्जी खत्म हो जाएगी वो बाहर। उसके बाद ये कैसी अकबर ओए तो उनके जवान है जवान, हेलो सबर कर रहे हैं, चुप कर, बकवास बंद कर। उसके बाद ये कैसिंग जो है ना हमारे पास बकवास बंद कर, इनकी ट्यूब के अंदर से कैसिंग मूव कर दी जाएगी, जितनी ज्यादा ट्यूब्स होंगी उतनी हमारे पास बेटर होगी, क्योंकि अगर यहाँ से गैसेस एनर्जी के साथ निकल रही है ना उनके अंदर अभी भी एनर्जी मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी पूरी नहीं है, हमने पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब करवानी है वाटर में, उसके बाद जो गैसेज है उनको एक्सट्रैक्ट करना है इसमें। इसके लिए हम फेज को इंक्रीज कर देते हैं, ये जो बाहर ट्यूब्स हैं इसके अंदर, और इस तरह इसने हमारा वाटर जो है उसको हमारे पास बाज दफा ये हो जाता है कि गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है हमारे बॉयलर के अंदर ट्यूब के अंदर, तो सेफ्टी वाल्व उस वक्त काम करता है, ये ऊपर हो जाता है और गैसेस को ना रिमूव कर देता है, और जितना प्रेशर हमें बॉयलर के अंदर चाहिए होता है ना उतना मेंटेन हो जाता है। नहीं सेफ्टी वाल्व ओपन नहीं होता, पहले कंप्रेसर के अंदर ओपन होता है, फिर सेफ्टी वाल्व को करना पड़ता है। जब सरकता था पानी में वो ट्यूब नहीं था, ट्यूब ट्राई एंगल का मीन ये है कि हमें तीन चीजें चाहिए फायर जलाने के लिए,
उसके अंदर सबसे पहले जाती है एयर, टेम्परेचर और थर्ड वन फ्यूल। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो हमारे पास फायर जवाब नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर।